एक बार एक शेरनी एक शेर को जन्म देते ही मर गई। उतने में ही एक भेड़ का झुंड वहां से निकल रहा था और वह अभी अभी जन्मा शेर उन भेड़ों के झुंड में चला गया। अब वह उन्हीं के साथ रहता और घास खाता। उसने कभी मांस नहीं खाया। उसे तो यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है। वह अपने आप को एक भेड़ ही समझता था। कुछ महीनों बाद वह एक यंग शेर की तरह हो गया और वह एकदम भेड़ों के झुंड से अलग दिखने लगा। एक बार एक बूढ़े शेर ने भेड़ के झुंड पर हमला किया। उसने देखा कि भेड़ों के झुंड में एक यंग शेर है और वह भेड़ों के साथ ही अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। बूढ़ा शेर सॉफ्ट रह गया और उसने डिसाइड किया कि वह यंग शेर को पकड़ेगा और उससे बात करेगा। अगले दिन बूढ़े शेर ने फिर से भेड़ों पर हमला किया और उस यंग शेर को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बूढ़े शेर ने यंग शेर से बोला, अरे बेवकूफ, तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? तभी यंग शेर बोला, मुझे मत खाओ, मैं एक मासूम सा भेड़ हूँ। बूढ़ा शेर उसे एक नदी के किनारे ले जाता है और उसे पानी में देखने को कहता है। यंग शेर ने जब अपने आप को पानी में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है। उसने अपने आप को पहचाना और एक सेकंड के अंदर एक शेर की तरह दहाड़ मारी और पूरा जंगल हिल गया। मॉरल, अक्सर जिंदगी में कभी कभी हम भेड़ जैसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं और वह लोग आपको यह फील कराते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। आप भी एक शेर हो, बस आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।